नमस्कार, मैं नीति सेन। राजधानी दिल्ली में जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं अलीपुर थाना पुलिस भी अलर्ट है। आपको बता दें कि अलीपुर थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने बीती रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन अलीपुर थाना पुलिस ने इस आरोपी को वारदात को अंजाम देने से पहले ही धर दबोचा। आपको बता दें कि इस आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इलाके में हो रही बढ़ती वारदातों को देखते हुए अलीपुर थाना SHO ने तमाम स्टाफ को अलर्ट किया है। आपको बता दें, इस इलाके में लगातार हो रही स्नैचिंग व झपटमारी की वारदातों को देखते हुए अलीपुर थाने के तमाम स्टाफ को अलर्ट किया गया, जिसके चलते बीती रात 20 किला के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर राहगीरों के साथ लूटपाट व स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ नरेला व नरेला NIA थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी के पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है। आरोपी दीपक नरेला का रहने वाला है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। वहीं अलीपुर थाना पुलिस की टीम का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके के कुछ और आपराधिक मामले भी खुल सकते हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।